So welcome back to my channel Nishu Mavi Law with me, and in this lecture today we will be discussing about PIL, that is public interest litigation. Ki PIL kya hota hai, what are the importance of PIL, its merits, demerits and the case related to it. To chaliye shuru karte hain mere notes ke saath. सो पी आई एल मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. पी आई एल का मतलब होता है कोई भी एक केस या फिर पिटीशन जो हम कोर्ट के सामने फाइल करते हैं. किस लिए? ताकि जो पब्लिक इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनका सेफ गार्ड हो सके या फिर हम उनको इन्फोर्स करा सकें. अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें तो इट में इंक्लूड्स राइट और इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी या फिर राइट और इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ द कम्युनिटी या फिर राइट और इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, तो पी आई एल जनरली जो फाइल की जाती हैं दे आर फाइल टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम जो एक लीगल राइट को अफेक्ट कर रही है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के या फिर पब्लिक एट लार्ज के. ठीक है, इट इज फाइल इन कोर्ट टू सेफ गार्ड अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट नॉट इंडिविजुअल इंटरेस्ट. यानी पीआईएल जो फाइल की जाती है वो कभी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइल नहीं की जा सकती की जाती है. रादर ये फाइल की जाती है कि जो पूरा एक ग्रुप है या फिर एक कम्युनिटी है उसके कैसे जो इंटरेस्ट है उनका हम कैसे सेफ गार्ड करें, कैसे प्रोटेक्ट करें उनके राइट्स को. तो अगर हम पी आई एल की बात करें, इट कैन बी फाइल्ड ओनली अंडर आर्टिकल 32 टू द सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 226 इन द स्टेट्स हाई कोर्ट एट द सेम टाइम अंडर सेक्शन 133 ऑफ द सीआरपीसी इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट. ओके, तो इसका जो मेन एम है, सो इट्स मेन एम इज टू प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ठीक है, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये किसी भी स्टैट्यूट, किसी भी लॉ या फिर किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं है. सिर्फ ये किसके अंडर फाइल की जाती है, इट इज फाइल्ड बिफोर द कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके बारे में बात करता है. अगर हम इसके ऑरिजिनेशन की बात करें तो इट इज ऑरिजिनेट इन इंडिया फ्रॉम द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जो हमारी जुडिशियरी है उसके पास है जुडिशियल रिव्यू की पावर, और उसी से ही ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है पी आई एल का. तो एनी वन कैन फाइल अ पी आई एल फॉर एनी मैटर, कोई भी ऐसा मैटर जो इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट कर रहा है. अगर हम पी आई एल की बात करें तो देखिए मैंने एक चार्ट बना दिया है जिसमें पी आई एल फाइल की जा सकती है. मैंने कुछ कोशिश की है इसमें सारा समेटने की, जैसे फूड अडल्ट्रेशन, रोड सेफ्टी, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, पॉल्यूशन, टेररिज्म, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, एट्रोसिटीज ऑन वुमेन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, बॉन्डेड लेबर एक्सेट्रा. मतलब इसमें वो सारे मैटर्स आप देख पा रहे होंगे, वो मैटर्स जो कि सोसाइटी एट लार्ज या फिर पीपल एट लार्ज की प्रॉब्लम है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है. तो इन इन मैटर्स में हम पीएल को फाइल कर सकते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है पीआईएल की. पीआईएल इज वाइटल टूल टू इन्फोर्स ह्यूमन राइट्स टू दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू देम. यानी जिन लोगों को अपने ह्यूमन राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो उनके लिए पीआईएल बहुत वाइटल टूल है. ओके, सेकंड, इट आल्सो हेल्प्स जुडिशियरी टू मॉनिटर स्टेट इंस्टीट्यूशंस लाइक प्रोटेक्टिव होम्स, प्रिजनर्स, आइसलम्स एक्सेट्रा. तो ये जुडिशियरी, ये जो एक पीआईएल है ये एक जुडिशियरी के पास भी एक टूल जैसा है जो हेल्प करता है कि जो स्टेट है वो कैसे अपने जो इंस्टीट्यूशंस है उनको मॉनिटर करे, वरना इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. थर्डली, इट इज क्रूशियल टूल फॉर सोशल चेंज, क्योंकि जब पीआईएल लेके आएंगे लोग तो सोशल चेंजेस तो आने पक्के हैं. फोर्थ, इट एम्स टू मेक जस्टिस एक्सेसिबल बाय एवरीवन. ये तो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट है. फिर, इट इज कॉमनली यूज टू चैलेंज द डिसीजन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज बाय द पैरामीटर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द लॉफुलनेस ऑफ एक्शन और डिसीजंस. तो क्वेश्चन आता है, हु कैन फाइल अ पीआईएल? तो सारे सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर ऑर्गेनाइजेशंस पीआईएल फाइल कर सकती हैं टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड टू द हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. साथ ही एक जो पीआईएल है कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बट नॉट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल. तो अगर हम बात करें हाउ मच मनी रिक्वायर्ड टू फाइल अ पी आई एल, तो जो कोर्ट फी है पी आई एल फाइल करने के लिए वो जस्ट 50 रुपीज पर रिस्पॉन्डेंट है. लेकिन साथ ही आपके जो अदर एक्सपेंसेस है वो इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि एक पिटिशनर कैसा एडवोकेट चूज करता है. अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि कोई एग्जाम्पल है कि इंडिया में पी आई एल का, तो हाँ, दे आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स, दे आर मैनी लैंडमार्क जजमेंट्स जो कि पी आई एल से निकल के आए हैं. जैसे ट्रिपल तलाक का बैन करना, कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल रिलेशंस को लीगलाइज करना, पैसिविथनेशिया को लीगलाइज करना, एक्सेट्रा. अगर हम बात करें केसेस रिलेटेड टू पीआईएल, तो सबसे पहला केस, फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ पीआईएल था हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो जिसका इस केस का मेन फोकस था कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है उनकी इनह्यूमन कंडीशंस जो है इसको लेकर ये केस था.
दैट लीड्स टू द रिलीज ऑफ मोर देन 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स. एक और बहुत फेमस केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसको मतलब बेसिकली रिकॉग्नाइज किया था सेक्शुअल हरासमेंट एज द वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस भी इशू की थी और जिसके चलते हमें एक एक्ट देखने को मिलता है दैट इज द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013. ओके, तो अगर हम बात करें PIL इन कंसेंट एनवायरमेंट तो हमें बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं. एक दो केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं जैसे इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन वर्सेज ऑफ इंडिया. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि बहुत डेंजरस ओलियम गैस और एच एसिड टाइप के कुछ एसिड रिलीज कर रही थी, तो कोर्ट ने ऐसी इंडस्ट्रीज को वार्निंग इशू करते हुए कहा था कि आप ये सब नहीं कर सकते because it is the violation of right to safe and healthy environment. नेक्स्ट केस है वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में क्या हुआ था कि बहुत सारी टैनरीज थी दैट वर लोकेटेड ऑन द पोलर रिवर इन वेलोर अ प्लेस इन तमिलनाडु, और ये पाया गया था कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल रिलीज कर रही थी रिवर में. तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो ये जो टॉक्सिक केमिकल रिलीज हो रहे हैं रिवर में तो वो बहुत ही बड़े लेवल पे रेजिडेंट्स जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं उन लोगों की हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं. तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इन टैनरीज को बंद कर दिया जाए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है. तो हमारा लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस या फिर डिमेरिट्स ऑफ PIL. तो पहला पॉइंट कह रहा है PIL समटाइम्स गिव राइज टू प्रॉब्लम ऑफ कंपीटिंग राइट्स. यानी कई बार क्या होता है PIL में हमें देखने को मिलता है कि कंपीटिंग इंटरेस्ट आ रहे हैं लोगों के. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोर्ट में जाती हूँ कि सर ऐसे से एक फलानी इंडस्ट्री है और वो हमारे यहाँ पे बहुत पोल्यूशन फैला रही है और कोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं कि इस इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो पर्सन उस इंडस्ट्री को चला आ रहा था तो उसके कहीं ना कहीं राइट्स हिंडर हो रहे हैं क्योंकि उसका एक राइट था कि वो बिजनेस कर सकता है अपना. कहीं ना कहीं उसके फैमिलीज के राइट हिंडर हो रहे हैं, तो यहाँ पे कंपीटिंग इंटरेस्ट वाली बात आ जाती है. ठीक है कि अगर एक को मिल रहा है राइट तो दूसरे का कहीं ना कहीं हिंडर हो रहा है. सेकंड पॉइंट कह रहा है इट कुड लीड टू ओवरबर्डनिंग ऑफ कोर्ट्स विद प्रीवियस PILs. क्या होता है कि हमारी कोर्ट तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन हो पड़ी है, तो कई बार क्या होता है जब हम PIL फाइल करते हैं तो वो कई बार झूठी PIL भी होती है, लोग बिना मतलब भी PIL फाइल करने लगे हैं, तो इससे क्या हो रहा है हमारी जुडिशरी कहीं ना कहीं ओवरबर्डन हो रही है. थर्ड पॉइंट कह रहा है द PIL मे बी फाइल टू सेटल वंस ऑन अकाउंट. कई बार ऐसा होता है लोग अपने ही अकाउंट सेटल करने के लिए PIL फाइल कर देते हैं. ओके, तो ये कहीं ना कहीं इसके डिमेरिट्स देखने को मिलती है. आई होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन प्लीज, एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.